मुंबई के कल्याण डोंबिवली नगर निगम के अधिकारियों ने स्मार्ट सिटी के नाम पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पार्क को नष्ट करने की साजिश रची है। कल्याण से सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पार्क को बचाने के लिए एकजुट होने की अपील की है। आपको बता दें कि डॉक्टर अम्बेडकर पार्क 1965 से है, लेकिन इसे नष्ट करने के लिए सड़क चौड़ीकरण करने के नाम पर इसे 3 बार काटा जा चुका है। दरअसल मुरादाबाद रोड के लिए 2 बार और रुक्मणीबाई अस्पताल के लिए 1 बार सड़क चौड़ीकरण किया गया है। अब सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि स्मार्ट सिटी के तहत सतीश ब्रिज के नाम से पार्क के आधे हिस्से पर कब्जा करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि नगर पालिका के कुछ अधिकारियों के द्वारा साजिश रची जा रही है। अब इस मामले को लेकर KDMC कमिश्नर ने आपत्तियां आमंत्रित की हैं और कार्यकर्ताओं ने पार्क को बचाने के लिए संयुक्त मोर्चा बनाने का आह्वान किया है। सतीश प्रकल्प के अंतर्गत स्मार्ट सिटी ये शहर में बनाने का प्रोजेक्ट महानगर पालिका के अंतर्गत ये चल रहा है, जो बैल बाजार से लेके स्टेशन से लेके महात्मा फुले चौक और महात्मा फुले चौक से लेके तो सुभाष चौक, यहाँ पर बड़ा सेटिस के अंतर्गत बड़ा ब्रिज होने का संभावना इस तरह प्रस्ताव महानगर पालिका ने लिया है। हमारी जानकारी के मुताबिक इस जो ऐतिहासिक जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर उद्यान है, वो उद्यान की जगह आधे से ज्यादा जगह महापालिका के इस सेटिस प्रकल्प में हमारी जा रही है। इस उद्यान के अंदर बड़े बड़े लोग नेता लोग यहाँ संघर्ष किए हैं, इस जगह से मोर्चे आंदोलन यहाँ से निकले हैं। ये ऐतिहासिक जगह कल्याण पश्चिम की तरफ की है। ये जगह यहाँ पर इस शहर में जो वयोवृद्ध लोग हैं वो भी यहाँ पर आश्रय स्थान उनका है, इसलिए